बेसन को मेरे बताए तरीके से, जिस तरीके से बता रही हूँ, लगा लेंगे तो चेहरे के काले दाग धब्बे दूर होंगे, चेहरे के ऊपर आएगी एक चमक, एक ऐसी ब्राइटनिंग कि आपसे हर कोई रोक रोक के पूछेगा, आखिर ऐसा क्या लगा रहे हो, क्या खा रहे हो कि चेहरे के ऊपर इतना ज्यादा गजब का चमक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सारा नु मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, आपका स्वागत है मेरे चैनल रेखा सिंह लाइफ पर फिर से एक बार। देखिए, बढ़ती उम्र के साथ में स्किन के ऊपर डार्कनेस, झाइयां, स्किन के ऊपर वो जो कालापन है, डलनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। 30 के बाद में अगर आप अपनी स्किन के ऊपर एक बार केयरफुली नजर डालेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर वो जो 20 वाला चार्म है, वो जो हम लोग 20 साल की एज में हमारी स्किन के ऊपर चमक होती है, टाइटनेस होती है, हमारी स्किन के ऊपर एक नेचुरल वाला ग्लो होता है ना, वो नहीं मिलता है। 20s के अराउंड तो आपको अपनी स्किन के ऊपर कुछ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा कुछ खाने की भी जरूरत नहीं होती है। आप कॉलेज भाग रहे होते हैं, स्कूलिंग कर रहे होते हैं, ये सारी चीजों में खान पान के ऊपर भी इवन ध्यान नहीं रहता है, तो भी हमारी स्किन के ऊपर एक चमक होती है, एक चार्म होता है, एक ग्लो होता है जो नेचुरल वाला ग्लो होता है। आपकी गाल आपको पिंक पिंक लगते होंगे, एकदम स्किन के ऊपर लगता होगा कितना ज्यादा ब्राइटन अप है हमारी स्किन, चाहे वो सांवली ही हो लेकिन उसका स्किन का जो टेक्सचर होता है हमारा, वो इतना ज्यादा स्मूथ होता है, इतना ज्यादा बढ़िया होता है। ठीक, तो देखिए, मैं अपनी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा केयर कर रही हूँ, इसीलिए मेरी स्किन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ठीक होने की तरफ। आप मेरा पहले का ये पिक्चर देखेंगे, मैं बहुत बार अपने वीडियोस में दिखा चुकी हूँ पहले की मेरी पिक्चर्स और आज की मेरी फोटोज, मतलब आज की वीडियोस जो आप देख ही रहे हैं सामने ही मैं आपके, पहले की ये जो पिक्चर्स मैं आपको दिखाती हूँ इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बूस्टअप मिल सके कि अगर आप रेमेडीज को सीरियसली करते हैं, जिस तरह से हम किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हैं वो चीज हमें जरूर मिलती है, तो ऐसे ही जब हम हमारी रेमेडीज को लेके सीरियस हो जाते हैं, दिल से चाहते हैं इसका रिजल्ट मिले, उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलता है। और इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे रीजन होता है हमारा उस चीज को पाने की चाहत। तो जब हम किसी चीज को पाने की चाहत करते हैं ना, वो हमें मिलती जरूर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक चम्मच बेसन, मैं एक्चुअली ज्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे हाथों पैरों पर भी लगाना है, तो मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, लेकिन अगर आप सिर्फ फेस के लिए बना रहे हैं तो आपको 1 चम्मच बेसन लेना है। बेसन की प्रॉपर्टीज होती है हमारी स्किन के काले दाग धब्बों को हटाने की, डीप तक जो भी मैल पॉल्यूशन आपके स्किन पे है जो कि इजिली नहीं निकलता है, बेसन उन सारी प्रॉब्लम को आपकी स्किन से निकाल देता है, उस डर्ट को, पॉल्यूशन को, मैल को, ऑयल को जो आपकी स्किन के अंदर जमा हो जाता है, जो कि व्हाइटेड ब्लैकेट बन के बाहर निकलता है, उसको बेसन बहुत आसानी से, बहुत इजिली निकाल देता है। दूसरी चीज हम लेने वाले हैं इसमें कस्तूरी हल्दी, यानी कि वाइल्ड टर्मरिक। देखिए दोस्तों, इसमें यही हल्दी यूज में आएगी, दूसरी हल्दी नहीं आपको यूज करनी है। सॉरी, आप चाहे तो मार्केट से जो गट्टी आती है हल्दी की वो आप लाके घर पे पीस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी या वाइल्ड टर्मरिक नहीं है तो आप इतनी हल्दी नहीं इसमें ऐड कर पाएंगे जितनी कि मैंने की है। मैंने 1/4 स्पून हल्दी इसमें यूज की है क्योंकि हल्दी हमारे स्किन के बैक्टीरिया को खत्म करती है। लेकिन अगर जैसे आज आप कर रहे हैं और आपके पास कस्तूरी हल्दी, वाइल्ड टर्मरिक या मार्केट वाली वो जो गट्टी होती है वो नहीं है, तो आप इसमें किचन की हल्दी यूज करेंगे, लेकिन वो आपको सिर्फ पिंच ऑफ डालनी है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसमें केमिकल और कलर दोनों होता है जो हमारी स्किन को पीला कर देंगे, और पीला होने के बाद स्किन के ऊपर वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है जी, अब हम तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें डाल रहे हैं, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्या होता है, एलोवेरा जेल में पूरा का पूरा पानी होता है जो आपकी स्किन के लिए हाइड्रेशन बहुत बढ़िया से प्रोवाइड करता है, साथ में ये आपकी स्किन के एजिंग के ऊपर काम करता है, एंटी एजिंग से भरपूर इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस को भी दूर करता है, साथ में आपके कलर को ब्राइटन अप करने में बहुत हेल्प करता है एलोवेरा। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप कुकम्बर जेल भी ले सकते हैं, आप इसमें पपाया जेल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने ले ली, ये सारी की सारी चीजें अभी तक जो मैंने आपको दिखाई हैं ये सारी आपके घर पर मौजूद होती हैं। अगर आपके पास एलोवेरा मार्केट वाला नहीं है, घर वाला है, प्लांट वाला है, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर आप इसको ना स्टोर करके मत रखिएगा, आज ही आज लगा के खत्म कर दीजिएगा अगर आप प्लांट वाला एलोवेरा ले रहे हैं तो। ठीक है, अब जो चौथी चीज मैं डाल रही हूँ वो भी आपके घर में ही मौजूद होती है, हर किसी के किचन में होती है, पीने के काम में, चाय के काम में यूज आती है, वो है जी दूध। दूध हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है, भरपूर मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है जो कलर को ब्राइटन अप करने के साथ में हमारा जो स्किन होता है, हमारी जो त्वचा होती है उसको रिपेयर भी करता है। मान लीजिए आपकी त्वचा बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है सूरज की किरणों की वजह से, आपकी स्किन के ऊपर सन बर्न, टैनिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो दूध आपके कलर को ब्राइटन अप करने में बहुत हेल्पफुल है।
अगर आप दूध को अपने चेहरे पर, त्वचा पर रोजाना लगाते हैं दोस्तों, दूध से नहाते हैं, दूध का मसाज करते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, पहले की रानी महारानियां दूध से नहाती थी, उसमें केसर डाल लेती थी। क्यों? क्योंकि दूध हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे कलर को फेयर करता है, टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, बहुत ज्यादा खुरदुरा स्किन भी अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो दूध अगर 2 से 3 चम्मच रोज भी अपने चेहरे पर लगा लेंगे तो क्या बुराई है यार, घर में ही तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दूध लीजिए, थैली वाला, पैकेट वाला, कोई भी लीजिए, ठीक है। चौथा अब मैं जो चीज डालने वाली हूँ उसको आप देख के शॉक रह जाएंगे। उस चीज को हम रोजाना खाते हैं दोस्तों, हमारी हमारी शरीर के लिए, उसके लिए बोला जाता है कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। सोचिए हमारी स्किन के ऊपर कितना अच्छा होगा। ये हमारे फ्री रेडिकल्स के ऊपर कंट्रोल करता है, हमारी स्किन की हेल्थ को मेंटेन करता है। ये जो आपको चम्मच में दिख रहा है ना, बहुत लोग समझ भी गए होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ, ये है देसी घी। जी हाँ दोस्तों, गाय का अगर प्योर घी मिल जाता है देसी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर में जो भी घी है, मैं तो पतंजलि वाला यूज करती हूँ और नॉर्मली मैं अपने घर का घी बनाती हूँ, क्योंकि मैं तबेले के दूध लेके आती हूँ और उसकी मलाई अच्छी निकलती है, तो घर का घी है मेरे पास तो और भी ज्यादा प्योर है। अगर आपके पास मार्केट वाला है तो भी आप ले सकते हैं, आधा चम्मच के आसपास आपको इसमें घी यूज करना है। घी आपके मुलायम करता है त्वचा को, स्किन की ड्राइनेस से आपको छुटकारा दिलाता है। स्किन अगर बहुत ज्यादा खुरदरी हो गई है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा खिंची खिंची लगती है, मतलब कि आपकी स्किन में मुलायमनेस जो है वो खत्म हो गई है, स्किन का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो गया है। तैयार है हमारा पैक, लेकिन लगाने का तरीका इससे ज्यादा भी जरूरी है, जो कि आपको जरूर देखना है। पूरा वीडियो वॉच करिएगा, फुल वीडियो लास्ट तक। देखिए इस प्रकार से हमने ये बना ली है, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये रेमेडीज ऐसी होती है जिनको कि हम रोज बना सकते हैं, रोज कर सकते हैं। होम रेमेडीज का यही फायदा होता है, इसमें बिल्कुल पैसा नहीं खर्च होता है और आपकी स्किन के ऊपर दिन ब दिन ग्रोनअप होता जाता है। जो रौनक हमें चाहिए, जो चमक हमें चाहिए, वो हमें दिन ब दिन मिलती जाती है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, लेकिन इसको बनाने से पहले हमें जो एक प्रोसीजर करना है वो आपको जरूर करना है, वो होता है स्किन का क्लीनअप। तो क्लीनअप करने के लिए नॉर्मली हम लोग दूध लेते हैं, दही लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखा रही हूं आपको लेना है घी। देखिए घी जो होता है ना, स्किन की ड्राइनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ये जो पैक हम लगाने वाले हैं, ये हमारी स्किन की ड्राइनेस के साथ साथ में हमारे कालेपन को दूर करेगा, लेकिन उससे ज्यादा हमें अपनी स्किन के ऊपर विंटर्स में केयर करनी है ऑयल की, ठीक है। अगर आपकी स्किन मुलायम होगी, ऑयली होगी, तो ही आपकी स्किन के ऊपर चमक भी दिखाई देगी, ठीक है जी। अगर आपकी स्किन नॉर्मली भी ऑयली है तो प्लीज आपको डरना नहीं चाहिए, आपकी स्किन के ऊपर एजिंग को आने से रुकता है ऑयल, ऑयल बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। तो देखिए मैंने अभी क्या किया आपके साथ, बातों बातों में आपके सामने मैंने थोड़ा सा घी लिया और उसको मैं अब गर्म कर रही हूं अपनी हथेली पे डाल के, ठीक है, क्योंकि ये जब गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे पैक को लगाने से पहले। तो ये देखिए अच्छे से ये हमारी स्किन के ऊपर, हाथ के ऊपर अच्छे से मेल्ट हो गया। अब मैं इसको लगाऊंगी, ठीक है जी। आपको भी घी को रेगुलर अपनी स्किन पे लगाना चाहिए, क्योंकि घी की प्रॉपर्टीज होती है आपके एजिंग के ऊपर काम करने। और देखिएगा आप कभी घी लगा के देखिएगा, उसके बाद आप देखिएगा आपके चेहरे के ऊपर चमक कितनी बढ़िया आती है। तो इस प्रकार से पहले हम घी लगाएंगे, ठीक है जी। हल्का सा आपने अपने हाथ को पहले गर्म कर लेना है, उसके बाद में आपने घी लगाना शुरू करना है, ठीक है जी। आपको कहाँ लगाना है घी? पूरे फेस के ऊपर लगाना है, स्पेशली अपनी आंखों के आसपास और अपने लिप्स के आसपास, क्योंकि यही दो एरिया होते हैं जहां पर रिंकल्स और फाइन लाइन्स ज्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर और आंखों के आसपास आपको जरूर लेना है। थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिएगा, घी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, घी हमारी स्किन के लिए अच्छा ही होता है, इसलिए घी खाने के लिए भी बोला जाता है, ठीक है जी। तो इसको मैं वापस से अपनी हथेली को फिर से गर्म करूंगी एक बार और उसके बाद में इसको अप्लाई करूंगी। इसके बाद में मैं आपको इसको हटा के दिखाऊंगी और आपको डिफरेंस दिखाऊंगी कि घी लगाने के बाद में हमें हमारी स्किन के ऊपर क्या डिफरेंस मिला है, ठीक है जी। तो इसको लगाइए और 2 मिनट की एक बढ़िया सी मसाज दे दीजिए, ठीक है जी। ये देखिए इस तरीके से आपको घी को लगाना है बढ़िया से, अच्छे से, और उसके बाद में आपने करनी है 2 मिनट की बढ़िया वाली मसाज। करना है एक कॉटन का टुकड़ा लेना है आपने, ठीक है, उसके बाद में आपने इसको वाइप ऑफ करना है, ठीक है, पूरा नहीं हटाना है, वॉश भी नहीं करना है, इसके ऊपर ही अभी हमें अपना पैक लगाना है, ठीक है जी। घी ने क्या किया, घी ने आपकी स्किन का जो ड्राइनेस है उसको हटा दिया है, स्किन को सॉफ्ट और मुलायम कर दिया है। अब जो पैक है वो हमारी स्किन के ऊपर का कालेपन को हटाएगा, डलनेस को हटाएगा, हमारी स्किन के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन हो गई है उसको हटाएगा। ये देखिए कितना गंदा हो गया है, देख रहे,
अब इसको हमें ड्राई होने के लिए छोड़ना है, हमें इसको बिल्कुल भी स्क्रब नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मसाज हमने शुरू में जब हम अपने दही के साथ कर रहे थे, घी के साथ कर रहे थे, तब हमने मसाज ले ली है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था 2 से 3 मिनट की मसाज आपको घी लगाते वक्त ही करनी है। अब ये पैक है जो कि हमारी स्किन के ऊपर जो डार्कनेस है उसको हटाएगा, ठीक है। तो हमें इसको कुछ मसाज नहीं करनी है। हाँ, मैं यहाँ पर ये बता देती हूँ, अगर आपको अपनी स्किन के ऊपर स्क्रब किए हुए बहुत ज्यादा दिन हो गए, तो इस पैक को बनाते वक्त जैसे कि मैंने आपसे कहा था, कॉफी आपको ऐड करनी है। अगर कॉफी नहीं है तो आप उसकी जगह पे चावल का आटा यूज कर सकते हैं, वो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा भी नहीं है तो आप इसकी जगह पे चीनी का बूरा या फिर शुगर, जो ब्राउन शुगर होती है, वो डाल सकते हैं, देसी खांड डाल सकते हैं, चीनी का शुगर क्रश करके डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है, तो देखिए अब मैं आपके सामने इसको पोंछ रही हूं, कितना बढ़िया से मेरा फेस क्लीन लग रहा है। देखिए ये मैंने लगा लिया है, अब मैं आपको मिलती हूँ उसको सुखाने के बाद में। 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। एक्चुअली मेरा जो वॉइस था यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मैं मिलती हूँ आपको इसको सूखने के बाद में। तो ये देखिए कितना बढ़िया से मेरा फेस क्लीन हो गया है। आज क्योंकि मुझे बाहर जाना है, जो लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं उनको पता है कि मेरे व्लॉगिंग पे बहुत स्पेशल दिन चल रहे हैं। अभी 24 तारीख को एक स्पेशल डे है जो हमारे लिए, तो आज 24 तारीख है और आज तो सब लोगों ने मिलना है, तो मुझे तो थोड़ा सा स्पेशल दिखना ही था, तो इसीलिए मैंने आज इस पैक को लगाया है। मेरे व्लॉग चैनल को जरूर देखिएगा जाकर, वहां पर आपको दिखेगा बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो कि मैं अपलोड कर रही हूँ। आशा करती हूँ आज को ये सिंपल सी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इतना सिंपल इतने कम पैसों में, मैं तो ये भी बोलूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीजें अगर आपको मिलती हैं तो जरूर करना चाहिए। फॉलो करिए, लाइक करिए व्लॉग चैनल को।